तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यू आर वाचिंग मोस्ट व्लॉग्स। तो आज है कितनी तारीख है? आज शायद से चलो चेक करते हैं, 22 जनवरी। आज मेरा मैथ का पेपर था। इतना बुरा हाल है, फिर भी पेपर देना पड़ा। ऊपर से इतना लंबा पेपर था। तो हाँ, तो थोड़ा ठीक है, इसलिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ आज का। बनना तो आपको पता है, मैंने बताया था कि ख़त्म कर दूँगा। तो आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ तो करने नहीं वाले। अभी मम्मा बनाएंगे पकोड़े, तो वो खाते हैं पहले। तो माओ फिर भी अब खाना तो है, क्योंकि अब बना है फिर मूड ही कर जाता है। थोड़े खाएंगे लेकिन, तो पकौड़े छोड़े खाते हैं। तो मैं को मिलता हूँ अब बनने के बाद, क्योंकि अभी बनाने हैं। अभी बोल रहे हैं बनाने, क्या था बनाए ना बनाए, जब बनाएंगे तब मिलता हूँ तब। क्योंकि कल तो बड़ा बुरा हाल रहा रात को, मतलब कि जुकाम, सिर दर्द, बुखार। एक ऊपर से पेपर देना था आज, वो बस लग गया था ऑनलाइन, इसलिए थोड़ा वो तो मतलब कि हो ही जाता है, बंदा कर लेता ऑनलाइन में। तो लोग मिलते थोड़ी देर में। A few moments later. तो गाइस, ये पकौड़े हो चुके हैं रेडी। आप देख सकते हैं, ये गोभी का, ये ब्रेड का और प्याज का, ये है तीखी चटनी, तीखी वाली चटनी, और ये है हरी चटनी। आते हैं अब, ये बीमार हूँ इसलिए इन्होंने इतनी क्वांटिटी बनाई है, वो बात अलग है। ये सारों ने इतना ही खाना है। तो अब खाते हैं, मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। लिटरली बारिश में पकौड़े खाने के बाद मज़ा आ जाता है, वो भी जब आप बीमार हो, स्पेशली जब आप बीमार हो, एक्स्ट्रा मज़ा आ जाता है। क्योंकि जब आप बीमार हो, घर वाले खाना देते नहीं कुछ, तो पकौड़े वैसे बना मम्मा लगे, लेकिन बना पापा ने दिए हैं, अच्छे थे। लेकिन जब आपको बीमार होते हो, आपको मिलती है खिचड़ी, जो कि मेरे को कल से मिल रही है। उसके बाद जब आप पकौड़े खाते हो, जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, दैट्स हेवनली। यू कैंट, इंग्लिश में वर्ड नहीं आ रहा आगे, और मतलब कि उससे अच्छा एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता खा के, हैं। हाँ, जो भी है, उससे अच्छा आपको कोई मिल नहीं सकता फ्लेवर। और क्योंकि यार, जब से मेरे साथ बड़ी बार ऐसा था, जब आप बीमार हो जाओ, खाने के लिए देते नहीं कुछ, उस टाइम मेरा भाई मोमो लेके आएगा, इतना कमीना, ऐसे कभी नहीं लेके आएगा, स्पेशल लेके आएगा। और उस टाइम अगर थोड़ा सा ही बंदा चख ले ना, फ्लेवर अलग होता है यार वो। तो अब मिलता हूँ थोड़ी देर में, जब अगर मैं सब डिनर के टाइम ही मिलूँगा, क्योंकि मिलने तो खिचड़ी है आज। उम्मीद ने कुछ देंगे, और अगर मिला फिर इसमें क्या देते हैं। सुबह तो दे दिए थे आलू प्याज, रात में दिए फुलके थे, क्योंकि हाल वैसे इतना अच्छा नहीं है, बुखार अभी भी है थोड़ा थोड़ा। मैं चेक नहीं किया पहले, किया था 99 कुछ आया था। तो अब मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में, अब बज चुके हैं शाम के 7:30। आज सुबह से वैसे काफ़ी बारिश हो रही है, कितनी बारिश, अब आवाज़ सुन के अंदाजा लगा ही सकते हैं कितनी बारिश हो रही है। वीडियो में इतनी ज़्यादा नहीं दिखी वैसे, लेकिन हो काफ़ी रही है, लेकिन सुबह से बारिश हो रही है, अभी तक नहीं रुकी है। तो बाल का भी बड़ा बुरा हाल है, मैं धो भी नहीं पाया क्योंकि बीमार था कल का। मेरे हाथ का थोड़ी यहाँ से दिख जाए, लाइट के सामने थोड़ी थोड़ी दिख रही है, मतलब कि इतनी नहीं दिख रही, थोड़ी थोड़ी दिख रही है मतलब। तो सो गाइस, मेरा एक और चैनल है जिसका आपको उधर अगर आप अबाउट में जाऊँगा, आपको दिख जाएगा इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो मैं लिंक डाला हुआ है, तो उसको सब्सक्राइब कर दो। और वैसे मैं एक बात बताऊँ, तो व्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट की, मेरा कोई प्लान नहीं था। एक दिन ऐसे रैंडमली बोलता मैं व्लॉगिंग करनी है, उससे पहला व्लॉग बनाया अपना, उन्होंने फिर डिलीट कर दिया, बोले नहीं मैंने नहीं करनी। तो फिर मैं सोचा यार मैं भी ट्राई करता हूँ, ट्राई किया मैं। और अभी आप देख सकते हैं हमारे 47 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और जल्दी जल्दी मेरे को पता है बहुत भी कराई दोगे। तो ऐसे मतलब कि आप कराते रहो, बढ़ाते रहो, मैं व्लॉग डालता रहूँगा, क्योंकि अब डेली ज़्यादा कंटिन्यू करूँ। तो बस व्लॉग लिए इतना ही, देखते फिर अब करते हैं डिनर शिनर, क्योंकि मेरे को पता है इतना अच्छा खाना तो मिलने वाला नहीं है आज। कल भी नहीं मिला था, कल सिर्फ खिचड़ी मिली थी विद अचार। ये बताया जब आप बीमार हो, तब आपको अचार भी बड़ा, मतलब कि अचार में भी बड़े फ्लेवर आ जाते हैं अपने आप ही जब आप बीमार हो। तो मैं को मिलता हूँ थोड़ी देर तक। लेट है गाइस, वैसे तो हो चुका है डिनर का टाइम, लेकिन ये मैं बीमार हूँ, इस खुशी में हम खा रहे हैं। यूगन से आलू चिप्स ही है, मतलब कि घर वाले आलू को काटा है, थोड़ा बड़ा पतला नहीं किया,
जब मैंने पहले खाए इतने तगड़े नहीं थे क्योंकि इतना एक्स्ट्रा कुछ डाला नहीं था, मैंने इसमें डाला पैर पैर मसाला, मैं बोल रहा हूँ जो टेस्ट आया खत्म। भाई बड़ी बार ऐसा होता है कि ऐसा तो होता है कि सब्जी बड़ी मतलब कि इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको खानी जरूरी है, और साथ में फुलके हुए किस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे खा सकते हैं। फिर आपको सिर्फ मेयोनीज वगैरह चाहिए तो वो दिखाऊंगा। तो अभी लिटरली इतना मतलब कि दिखाता हूँ आपको, इतना कलर नहीं दिख रहा क्योंकि जो मैक्सिमम मैं खा चुका हूँ क्योंकि जैसे थोड़ा टेस्ट किया अच्छा लगा मैंने खा लिया ऑलमोस्ट। मतलब कि आप पैर पैर मसाला डालोगे ना इसमें टेस्ट नेक्स्ट लेवल, मतलब कि जो बाजार वालों का होता है ना पैरी पैरी फ्राइज आपको वो फ्लेवर आएगा। बस मैं थोड़े क्रिस्पी नहीं है, क्रिस्पी नहीं है आलू इतने, थोड़े कम क्रिस्पी और सौगी सौगी टाइप है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे ट्राई करूँगा, मम्मा बोलूँगा मैं थोड़े करारे बनाऊँगी, वो बोलते हैं बड़ा फ्राइड नहीं खाना चाहिए, ऊपर से पहले बीमार हूँ। तो बस अब करते हैं फिर डिनर। सो गाइस टाइम हो चुका डिनर का, ये है डिनर, मैंने बोला खिचड़ी मिलने वाली है अब उसको खाता हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेगा कल, तब तक के लिए बाय।